वैज्ञानिक कहता है कि क्वांटम फील्ड का निर्माण या क्वांटम फील्ड में जो पदार्थ बिखरा हुआ है, इस पूरी पृथ्वी का जो रॉ मटेरियल है उसका नाम है थिंकिंग नॉन स्टफ, वो तरंग है। थिंकिंग क्यों? थिंकिंग इसलिए क्योंकि हर वाइब्रेशन को मालूम है कि मुझे किस गति पर ऑस्किलेट करना है ताकि मैं सोना बन जाऊं, चांदी बन जाऊं, माइक्रोफोन बन जाऊं, मैं कोयला बन जाऊं, मैं कुर्सी बन जाऊं। इट इज इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान है, समझदार है, उसमें अपना डिजाइन निहित है। और नॉन स्टफ इसलिए क्योंकि हाथ में छूने पर आता नहीं है, वो तरंग जो छू करके हाथ को प्रतीत नहीं हो सकती, अत्यंत सूक्ष्म है, उसी से सारा जड़ जगत बना हुआ है, सारा पदार्थ जगत बना हुआ है। इसलिए वैज्ञानिकों ने यह मान लिया कि क्वांटम फील्ड इज बेसिकली द फील्ड विच इज द रॉ मटीरियल फॉर द एंटायर यूनिवर्स। और क्वांटम फील्ड की जो परिभाषा देते हैं, आश्चर्य बहुत होता है। मैंने बहुत सारी जब रिसर्च में कर रहा था तो कई परिभाषाएं पढ़ी मैंने कई जगहों पर। क्वांटम फील्ड की परिभाषा यथावत वही है जो हमारे यहां पर वेदों में ब्रह्म की व्याख्या है, और ब्रह्म की व्याख्या लगभग सबको मालूम है, अनादि अनंत सर्वज्ञ सर्वव्याप्त आदि 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 आदि, जो हम श्री राम के रूप में कृष्ण के रूप में भी व्याख्याएं करते हैं, वो सारी व्याख्या जो ब्रह्म रूप में है वही व्याख्या क्वांटम फील्ड की है। फर्क भाषा का है, फर्क सिर्फ भाषा का है, अंग्रेजी और हिंदी, इससे अधिक नहीं, इससे अधिक कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वही अंतर है। वैज्ञानिक ये मान चुका है कि जितना भी दृश्यमान जगत है ये जिस अदृश्य जगत से आता है, दैट इज ए थिंकिंग नॉन स्टफ। अब बात आकर के हमसे जुड़ती है क्योंकि क्वांटम फील्ड की छोटी सी परिभाषा देनी अनिवार्य थी। वैज्ञानिक ये मान चुके हैं, बिकॉज नाउ आई एम टॉकिंग इज प्योर साइंस, जो कुछ मेरे रिसर्च में आया, उन्होंने कहा कि मनुष्य जब अपने भीतर कोई भाव लाता है तो उसके मस्तिष्क के भीतर क्षेत्र सेरिब्रल कॉर्टेक्स है जहां ये सारी भावनाएं उदित होती हैं, उत्पन्न होती हैं। वैज्ञानिकों ने शोध के अंतर्गत यह भी पाया है कि जब मनुष्य किसी भावना के अंतर्गत होता है, जब किसी भावना के अंतर्गत होता है तो क्या होता है। उन्होंने कहा कि एक विशिष्ट मॉलिक्यूल मनुष्य के मस्तिष्क से निकल करके हमारे प्रत्येक सेल तक जाते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूरोपेप्टाइड्स। वो हमारे वो एक प्रकार के संदेश वाहक हैं, डाकिये हैं। अर्थात अगर आपने प्रकाश की भावना की, आप प्रकाश में इस समय ओतप्रोत हैं, आंखें बंद, आप मात्र अपने यहां इस पूरी कैनवस पर प्रकाश देख रहे हैं, नथिंग बट लाइट, नथिंग बट लाइट। और भाव है कि हे प्रकाश मुझ में अवतरित हो जाओ, मेरे रोम रोम में समा जाओ। ये बात आप भाव स्तर पर करते हैं, लेकिन इसका पूरा अनुवाद आपके शरीर में कैसे होता है, वैज्ञानिक कहता है। वैज्ञानिक कहता है कि तत्क्षण एक मॉलिक्यूल, न्यूरॉन पेप्टाइड्स के नाम का मॉलिक्यूल एकदम से जन्म लेता है और हर सेल के पास चला जाता है संदेश देने के लिए। क्या संदेश देता है? कि प्रकाश में ओतप्रोत हुआ जा रहा है, तू भी नाच। पूरी का पूरा अस्तित्व उसी भाव में रम जाता है, मनुष्य का पूरा शरीर आद्योपांत एक रूप हो जाता है, ये वैज्ञानिक कहता है। वैज्ञानिक इसलिए कहता है, वो कहता है कि जब मनुष्य किसी भावना में होता है तो दो स्तर पर कार्य होते हैं, एक उसका शरीर और दूसरा वो द्युलोक, वो क्वांटम फील्ड। शरीर के रसायनशाला अपने नए नए रसायन उत्पन्न करना शुरू करती है, जैसे एक न्यूरॉन पेप्टाइड्स कहा जो संदेश वाहक है, और क्वांटम फील्ड में अपने तरह के कार्य होते हैं। वैज्ञानिक कहता है कि जब मनुष्य भावना के अंतर्गत होता है, ना केवल शरीर के रोम रोम में उसी प्रकार की उसी अनुरूप प्रतिक्रिया होती है, बल्कि उसकी भाव अवस्था से उस बड़े क्वांटम फील्ड के ऊपर भी दबाव पड़ता है, जिसे इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसा भाव होता है बिल्कुल ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया क्वांटम फील्ड से मनुष्य के पास आनी शुरू हो जाती है। अर्थात अगर आपने ये याचना उपस्थित कर दी, प्रार्थना उपस्थित कर दी कि मैं दिव्य प्रकाश में स्नान कर जाऊं, क्वांटम फील्ड बिल्कुल वैसे रिस्पॉन्ड करेगा, आपको दिव्य प्रकाश में स्नान कराएगा। जब आप किसी भाव को पकड़ते हैं, विशेष रूप से ऐसा भाव जो सुदृढ़ भाव है, शक्तिशाली भाव है, तो निश्चित रूप से आपकी इस पूरी कायनात, कायनात माने ये कायनात और वो कायनात, इन दोनों का संसर्ग हो जाता है। और जहां ये संसर्ग होता है
जिसे हम लोग ब्रह्मरंध्र कहते हैं, ब्रह्मचक्र कहते हैं, शस्त्रार कहते हैं, जो भी शब्द हम लेते हैं, 99% एक्टिविटीज डिस्पेंस्ड हियर, बाकी जगह का बोध धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, बिकॉज दिस पॉइंट बिकम्स द पॉइंट ऑफ जंक्शन। जब आप भावना में प्रार्थना को उदय करते हैं, छोड़ते हैं, तो उस समय यहां सारा आदान प्रदान होता है, जो कुछ वहां से प्राप्त होता है यहीं के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिकॉज दिस एंटायर कॉस्मोस इज अ नेट इन इट्स ओन फॉर्म। की सारी थ्योरी में से आप कॉन्शियसनेस को हटा दीजिए, चेतना को हटा दीजिए, सब कुछ चरमरा करके नीचे बैठ जाएगा। छोटा सा प्रयोग अभी तक सिर्फ संभव कर पाए हैं वो लोग, जिसमें उन्होंने यह पाया है कि मनुष्य की चेतन क्षमता के द्वारा पदार्थ जगत में परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा प्रयोग है, इतना छोटा प्रयोग है जिसका हिसाब नहीं। जहां वो कहते हैं कि थ्रू द अटेंशन वन कैन मैनिफेस्ट द अवेयरनेस फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, अर्थात जहां संभावनाओं के क्षेत्र हैं वहां से अगर कुछ प्रकट करना है तो मनुष्य ध्यान के द्वारा, अटेंशन के द्वारा उत्पन्न कर सकता है। कि मंत्र में पहला होता है शब्द का प्रभाव, दूसरा होता है फोकस ऑफ अटेंशन का प्रभाव, और तीसरा है भावना का प्रभाव। मैंने भावना से शुरू किया, क्योंकि भावना के बिना कोई भी मंत्र, कोई भी प्रार्थना कार्य कर नहीं सकती है, और भावना का प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर होता है। भावना का प्रभाव उस बृहत क्षेत्र में भी होता है जिसे हमने क्वांटम फील्ड के नाम से जाना, और विज्ञान इसको धीरे धीरे सिद्ध कर रहा है।